अब हम इस फंक्शन को चेंज करते हैं डायरेक्ट वोल्टेज से अल्टरनेटिंग वोल्टेज के ऊपर। तो ये देखें, ये सेक्शन अल्टरनेटिंग वोल्टेज का है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको पता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे। इसी तरह जो आम बल्ब होते हैं टंगस्टन फिलामेंट वाले, वो भी अल्टरनेटिंग के ऊपर चल रहे होते हैं। ट्रांसफार्मर्स का जो आउटपुट है या इनपुट है, वो भी अल्टरनेटिंग होता है। तो वहाँ पे वोल्टेज चेक करना हो तो इस सेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अब 220 वोल्ट के ऊपर ही ये चार्जर जो है वो काम कर रहा है, तो हम इसे देख भी सकते हैं। हमें पता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी 220 तक है, तो ये 2 वोल्ट या 20 वोल्ट की रेंज से ज़्यादा है। बल्कि 200 पे भी करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट है वो नहीं आएगा, 1 आ गया, क्योंकि 220 वोल्ट तक होता है या इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है कि 234 वोल्ट का अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है वो हमारे घरों में आ रहा है। या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज के ऊपर चलने वाली चीज़ें, जिस तरह टंगस्टन बल्ब हो गया या कोई हीटर है, कोई भी चीज़ है चल रही है, तो उसके अक्रॉस अगर आप ये वाली प्रोब आप लगा देंगे तो अब वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा होगा उस अप्लायंस या लोड के अक्रॉस, तो उसकी भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मीन्स सोर्स हो तो भी आप वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, और अगर कहीं पे कोई लोड है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो वो भी इस सेक्शन के ऊपर रहते हुए अल्टरनेटिंग के केस में आप मालूम कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज से आगे जो सेक्शन है वो HFE, हाइब्रिड पैरामीटर, फॉरवर्ड गेन, कॉमन इमिटर। दरअसल जब हम इधर ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए ये जो मीटर है वो हमें यहाँ पे उस ट्रांजिस्टर की गेन की जो वैल्यू है वो शो कराता है। और वो गेन तब ही शो कराएगा जब यहाँ पे उसे ठीक कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो इस हिसाब से फिर हमें पता चल जाता है कि कौन सा ये ट्रांजिस्टर है, NPN है या PNP है, और फिर उनकी जो टर्मिनल्स हैं वो कौन से हैं, मतलब इमिटर कलेक्टर या बेस कौन सा है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है जब इधर वैल्यू मिलती है। तो इसको मैं जब चेंज करता हूँ HFE के ऊपर, तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब इस मीटर में ना इस ऑप्शन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ख़राबी है। तो हमारा दूसरा मीटर ये वाला है, इसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको अभी मैं साइड पे कर देता हूँ। इस छोटे से मीटर को ले आते हैं, इसमें भी बिल्कुल सेम है। जिस तरह उधर PNP के 4 होते थे, यहाँ पे टर्मिनल्स के पोर्ट या NPN के, वहाँ पे भी 8 होते थे, तो इधर भी 8 हैं। उधर भी इमीटर कलेक्टर बेस इमीटर, तो इधर भी मौजूद है। आप ही देख सकते हैं इसको, बिल्कुल यहाँ पे NPN के सेक्शन में इमीटर कलेक्टर बेस इमीटर 4, और PNP की भी इमीटर कलेक्टर बेस इमीटर ये 4, तो वही कुछ इधर मौजूद है। तो इसको मैं HFE के ऊपर यहाँ पे ले आता हूँ, और मेरे पास ये ट्रांजिस्टर था जिसे अभी हमने चेक भी किया था, ये ट्रांजिस्टर जिसको कंटिन्यूटी के ऑप्शन के ऊपर हमने चेक किया था। तो इसको मैं इस तरह से लगाऊंगा कि ये जो मॉडल वाली साइड है जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है मॉडल, वो मेरी साइड पे हो, ठीक है जी। तो मैंने फर्ज कर लें इधर लगाया, PNP वाले स्लॉट में लगाया, वैल्यू नहीं आई। उससे आगे मैं चेंज करता हूँ, फिर से लगाता हूँ, तो फिर भी 1 आ गया, रेंज से बाहर, मतलब वैल्यू नहीं आई। अब मैं ये करता हूँ कि NPN वाले स्लॉट में इधर लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखें तो फिर भी वैल्यू नहीं आई। और NPN वाले में जब मैं शिफ्ट करता हूँ इस तरह से, तो आप देखें हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो ये जो वैल्यू आई है आप खुद देख सकते हैं ये कहाँ पे आई है। पहली बात तो ये, अगर मैं ऊपर से इधर से आपको दिखाऊं, तो PNP वाली जो ऊपर वाले 4 टर्मिनल्स हैं, इमीटर कलेक्टर बेस इमीटर, वो फ्री हैं। जबकि जो NPN वाला नीचे वाले 4 हैं, उसमें ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और उनमें भी पहला जो इमीटर है, उसके बाद कलेक्टर है, फिर बेस है,
तो इस तरह से एनपीएन वाले में मीटर कलेक्टर बेस के ऊपर ये वैल्यू आई है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही मैंने देखे ना, इस तरह से इसे निकाला, इस तरह से इसे मैंने निकाला, तो इसका मतलब ये दरअसल इमीटर है, ये कलेक्टर है दरमियान में, और ये बेस है। और ये है कौन सा? ये दरअसल एनपीएन है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू वहीं पे आई और है। अगर आप इसे देखें, ये वाला, इसका मॉडल भी आप देख सकते हैं, डाटा शीट भी निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम चेक करें तो इसकी जो वैल्यू है वो भी कहीं इधर आती है। ये देखें, ये वैल्यू आ गई है 304, बाकियों में जबकि इनकी वैल्यू नहीं आती या लो आती है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है ये भी दरअसल एनपीएन है। और इस तरह से हम इसे निकालें ऐसे, तो इसकी पहली जो लेग है वो इमिटर है, दूसरी कलेक्टर है, और तीसरी बेस है, और ये एनपीएन है। तो एच एफ ई का हमने ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया है। इसे अब हम साइड पे करते हैं, अपने मेन मीटर को ले आते हैं। तो इसका फंक्शन हम चेंज करते हैं, कैपेसिटेंस अब हमने मालूम करनी है। तो कैपेसिटर वाले ऑप्शंस ये वाले हैं, तो इधर हम शिफ्ट करा के आ चुके हैं। अब अगर इसको देखें तो ये जो कैपेसिटर है वो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये 22 माइक्रो फैरड का है और 16 वोल्ट इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो अगर इसका 22 माइक्रो फैरड है और मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ, इसे मैं ऑन करता हूँ, तो देखें वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि ये नैनो वाली रेंज है और वो तो 22 माइक्रो फैरड बहुत बड़ी वैल्यू है। तो मैं 200 नैनो के ऊपर ले जाता हूँ, वैल्यू नहीं आई। 2 माइक्रो के ऊपर भी वैल्यू नहीं आई। 20 माइक्रो पे हमारे पास वैल्यू नहीं आई। तो 200 माइक्रो के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू आ गई है, और कितनी है? 21.2 माइक्रो फैरेड की वैल्यू है। और आपने देखा भी सही कि ये 22 माइक्रो फैरेड का था। तो एक दूसरे कैपेसिटर को देख लेते हैं, अगर इसके ऊपर आप वैल्यू देखें तो कोई 3.3 माइक्रो फैरेड है। तो फिर से हम छोटी रेंज के ऊपर ले आते हैं, 2 माइक्रो के ऊपर, इसे हम इधर लगा देते हैं। यहाँ पे देखें वैल्यू नहीं आ रही। 20 माइक्रो पे जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है, और 3.28 माइक्रो फैरेड की वैल्यू आ जाती है।